गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है फिजिक्स में 11th क्लास फिजिक्स, ऊष्मीय प्रसार या तापी प्रसार क्या होता है। टॉपिक ये है ऊष्मीय प्रसार, इसी को तापी या प्रसार भी बोलते हैं। यानी किसी वस्तु को गर्म करने पर उसमें होने वाले प्रसार को, ये आप लोगों को बता दें, चाहे ठोस हो चाहे द्रव हो चाहे गैस हो, कोई भी पदार्थ चाहे वो ठोस हो चाहे द्रव हो चाहे गैस हो, गर्म करने पर उसमें क्या होता है, प्रसार होता है। तो किसी वस्तु को गर्म करने पर उसमें होने वाले प्रसार को ऊष्मीय प्रसार या तापीय प्रसार कहते हैं। और ये जो प्रसार होता है ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है। अब आप लोग सिलेबस में तीनों को पढ़ना भी है, ठोस का प्रसार भी है, द्रव का प्रसार भी है और गैस का, ठीक है ना। तो किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसमें जो प्रसार होता है उसे ऊष्मीय प्रसार या तापी प्रसार कहते हैं। और ठोस में जो प्रसार होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक रेखी प्रसार होता है, किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई में प्रसार होना, लंबाई में प्रसार होना मतलब लंबाई में वृद्धि होना। और यदि किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है या किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है ना, तो यदि लंबाई में परिवर्तन तो रेखीय प्रसार, क्षेत्रफल में परिवर्तन या वृद्धि तो क्षेत्रीय प्रसार, और आयतन में प्रसार यदि परिवर्तन हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो उसको क्या कर लेंगे, आयतन प्रसार, ठीक है ना। अब फिर तीन प्रकार का गुणांक भी पढ़ेंगे, प्रसार गुणांक, ठीक है। तो शॉर्टकट में जल्दी जल्दी लिखते चलिएगा, ठीक है ना। किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसमें होने वाले किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसमें होने वाले प्रसार को ऊष्मीय प्रसार या तापीय प्रसार कहते हैं। ठोस में ऊष्मीय प्रसार तीन प्रकार का होता है। ठोस में जो ऊष्मीय प्रसार होता है वो तीन प्रकार का होता है, ठीक है ना। लिख लिए, किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसमें होने वाले प्रसार को ऊष्मीय प्रसार या तापीय प्रसार कहते हैं। ठोस में ऊष्मीय प्रसार तीन प्रकार का होता है। नंबर एक में है रेखीय प्रसार, पहला वाला क्या है, रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार क्या कहलाएगा, क्या हुआ कहां से, रेखीय रेखी प्रसार, वो डिम चलता है, मार्कर ही कम चल रहा है। तो ठोस में उसी प्रसार तीन प्रकार का होता है, रेखी प्रसार। रेखी प्रसार में क्या होता है, इसको जब गर्म करते हैं, किसी ठोस को गर्म करने पर उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, ठीक है ना। लंबाई में वृद्धि होती है, ठीक। और दूसरा क्या होता है, पृष्ठीय प्रसार या क्षेत्रीय
गर्म करने पर, इसमें जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, गर्म करने पर उसके क्षेत्रफल में प्रसार होता है। और तीसरा होता है आयतन प्रसार। क्या होता है, उसके आयतन में प्रसार होता है। ठीक है ना, किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसमें होने वाले प्रसार को उष्मीय प्रसार कहते हैं, तापीय प्रसार, ठोस में उसी प्रसार तीन प्रकार का, एक हमने कहा रेखीय प्रसार, गर्म करने पर लंबाई में परिवर्तन, क्षेत्रीय प्रसार, गर्म करने पर क्षेत्रफल में वृद्धि, वृद्धि कहो चाहे प्रसार कहो, ठीक है ना। और आयतन प्रसार, किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके आयतन में प्रसार होता है, ठीक है ना। अब प्रसार के बाद प्रसार गुणांक आता है, देखिए किसी पदार्थ प्रसार गुणांक, अब टॉपिक जो है क्या है, प्रसार गुणांक। देखिए वो इस प्रकार ही दिखेगा, हो गया इतना ही, ठीक है। ये वाला तो कुछ नहीं, इसे तो अब इसके बाद आता है प्रसार गुणांक। किसी पदार्थ के एकांक विमा के ताप को, अब सुनिए यहाँ पर प्रसार गुणांक क्या होता है, किसी पदार्थ के एकांक विमा के ताप को एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी विमा में जो परिवर्तन होगा। यहाँ पर विमा का मतलब किससे है, जैसे लंबाई ले लो, क्षेत्रफल ले लो, आयतन ले लो, यानी किसी पदार्थ के एकांक विमा, और एकांक विमा मतलब एकांक लंबाई हो सकता है, एकांक क्षेत्रफल हो सकता है, और एकांक आयतन हो सकता है, ठीक है ना। किसी पदार्थ के एकांक विमा के ताप को एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी विमा में जो परिवर्तन होता है, यानी जो वृद्धि होती है या जो प्रसार होता है, उसे कहा जाता है प्रसार गुणांक। किसी पदार्थ के एकांक विमा के ताप को, एकांक विमा, अभिमा मतलब लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, किसी पदार्थ के एकांक विमा के ताप को एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी विमा में जो वृद्धि होती है, वृद्धि यानी प्रसार जो होता है, उसको कहा जाता है प्रसार गुणांक। अब हमने विमा में कितने शब्दों का उपयोग किया है, लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन। यदि हम
बीमा की जगह पर बारी बारी से लंबाई क्षेत्रफल आयतन कर दी, बारी बारी से लंबाई क्षेत्रफल और, तो बीमा के प्रकार हो जाएंगे, प्रसार गुणांक के प्रकार हो जाएंगे, प्रसार गुणांक के। तो यदि हम लंबाई शब्द यूज कर देंगे तो रेखीय प्रसार गुणांक हो जाएगा। अभी हम क्या कह रहे हैं, प्रसार गुणांक, अब प्रसार गुणांक में बीमा बोल रहे हैं, और जब रेखी वाला कहेंगे तो लंबाई कहना पड़ेगा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहेंगे तो क्षेत्रफल कहना पड़ेगा, आयतन प्रसार गुणांक कहेंगे तो आयतन कहना पड़ेगा, और एकांक शब्द सब में रहेगा। फिर से सुनना, किसी पदार्थ के एकांक बीमा के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी बीमा में होने वाली वृद्धि प्रसार को रेखीय प्रसार प्रसार गुणांक कहते हैं। और ये 3 प्रकार का होगा। अब बीमा में तीनों अलग अलग लिख दो, लंबाई वाला लिख दोगे तो रेखी, क्षेत्रफल वाला लिख दो तो क्षेत्रीय, आयतन लिख दोगे तो आयतन, बस ठीक है। अब प्रसार गुणांक बराबर होता है बीमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक बीमा गुणे ताप में वृद्धि, बीमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक बीमा गुणे ताप में वृद्धि। अब बीमा में परिवर्तन तो लंबाई वाला होगा तो कहोगे लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक बीमा, तो प्रारंभिक लंबाई और गुणे ताप में वृद्धि। दूसरा वाला लिखोगे तो क्षेत्रफल में परिवर्तन बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे ताप में, तीसरा वाला लिखोगे तो आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन गुणे ताप में वृद्धि, ठीक है ना। तो आगे का जो टॉपिक है वो है प्रसार गुणांक, तो लिखिए प्रसार गुणांक, प्रसार गुणांक देखना क्या लिखेंगे, प्रसार गुणांक में, प्रसार गुणांक किसी पदार्थ के एकांक बीमा, बीमा का मतलब लंबाई क्षेत्रफल या आयतन, ठीक है ना, लंबाई क्षेत्रफल या आयतन, किसी पदार्थ के एकांक बीमा का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके बीमा में होने वाले वृद्धि को प्रसार गुणांक कहते हैं। बीमा में परिवर्तन, परिवर्तन बटे प्रारंभिक बीमा गुणे ताप में वृद्धि, बीमा में परिवर्तन, चाहे बीमा में परिवर्तन बोलो चाहे वृद्धि, बीमा में परिवर्तन चाहे वृद्धि, ठीक है। अब बीमा का मतलब हमने बार 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 बताया है, लंबाई क्षेत्रफल और आयतन से है, लंबाई क्षेत्रफल और आयतन से है। प्रसार गुणांक बराबर बीमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक बीमा गुणे ताप में वृद्धि। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा डिग्री से इनवर्स या केल्विन इनवर्स। क्यों, जैसे बीमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक बीमा, यदि बीमा में आप लंबाई लेंगे, बीमा में क्या लेंगे, तो ऊपर भी लंबाई और नीचे भी, तो लंबाई लंबाई कट जाएगा, ताप भर बचेगा, तो ताप यानी डिग्री सेल्सियस या केल्विन, और उसको ऊपर भेज देंगे तो इनवर्स, ठीक है ना।
तो किसी पदार्थ के एकांक विमा का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके विमा में होने वाले वृद्धि को प्रसार गुणांक कहते हैं। प्रसार गुणांक बराबर विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा गुणे ताप में वृद्धि, इसका मात्रक डिग्री सी इनवर्स या केल्विन इनवर्स। प्रसार गुणांक 3 प्रकार का होता है। प्रसार गुणांक 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 क्या होगा? वो रेखीय प्रसार गुणांक। क्या? रेखीय प्रसार गुणांक। इसमें आपको बता दें, ये जो परिभाषा लिखी गई है, यहाँ एकांक बीमा लिखा है। क्या लिखा है? यहाँ लिखा है एकांक बीमा। यदि आप उस एकांक बीमा के जगह क्या लिख दो? लंबाई, तो क्या आ जाएगा? यदि आप एकांक बीमा के जगह पर क्या लिख दें, तो यही आ जाएगा पृष्ठीय प्रसार गुणांक। और यदि वही बीमा के जगह पर क्या लिख देंगे, एकांक शब्द रहेगा ही, ठीक है ना? एक ठो आप समझ लेंगे तो सब कुछ कोई में दिक्कत नहीं रहे, अपने आप बन जाएगा, ठीक है ना? तो रेखीय प्रसार गुणांक भी लिखो। किसी पदार्थ के एकांक लंबाई के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, किसी पदार्थ के एकांक लंबाई के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके लंबाई में जो वृद्धि होती है उसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे अल्फा से दर्शाते हैं, अर्थात अल्फा बराबर लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप में वृद्धि। यदि किसी क्षण तथा उसका ताप डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर तो देखिए, एक कोई क्षण है जिसकी लंबाई क्या है, एल है, और उसका ताप जब डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिए तो उसकी लंबाई में वृद्धि कितनी हो गई, डेल्टा एल, मतलब एल से एल प्लस डेल्टा एल हो गया, मतलब डेल्टा एल बढ़ाया गया, कितना बढ़ गया, तो अल्फा बराबर डेल्टा एल अपान एल इंटू डेल्टा टी, और इसका मात्रक ये होगा। इधर दिख रहा है, अब देखो यहां पर ये बता दे, हमने ये लिखा है जो अभी बता दे, मान लो कोई प्रारंभिक लंबाई को क्या ले लेगा, या जीरो, सुन लो, प्रारंभिक लंबाई को अट्टी समय, 80 ताप के बाद की लंबाई को एल टी लिख दें,
ठीक है, तो लंबाई में वृद्धि के लिए क्या लिखना पड़ेगा, एल टी माइनस एल जीरो बटे एल जीरो इंटू टी माइनस जीरो, ऐसा लिखना पड़ेगा। अल्फा बराबर ऐसा भी कोई लिख सकता है, ध्यान देना, टी ताप पर लंबाई और जीरो ताप पर लंबाई का अंतर लंबाई में वृद्धि। हमने लंबाई में वृद्धि को क्या लिख दिया है, प्रारंभिक लंबाई कोई यहाँ एल जीरो लिखा, हमने प्रारंभिक लंबाई क्या लिया है, ताप में परिवर्तन टी माइनस जीरो कह रहे हैं, हमने ताप में परिवर्तन को क्या बोल दिया है, तो बताए इसलिए रहे हैं कि हो सकता है हमने ये लिखा है, कोई आपसे इस प्रकार लिख दे तो गलत मत समझना, है ना। टी माइनस जीरो करेंगे तो टी ए आ जाएगा, यानी एल टी माइनस एल जीरो अपान एल जीरो इंटू टी, और अल्फा क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक, और इसका ये मात्रक है, ठीक है ना। तो ये हो गया रेखीय प्रसार गुणांक। अब आप अच्छे समझ लीजिए, ताकि हम परिभाषा भले लिखे पर ये बार बार हम ना लिखा करेंगे ये सब कि क्षेत्रफल ये है वो है, हम डायरेक्ट ये लिख देंगे कि डेल्टा क्षेत्रफल को क्षेत्रफल को ए लिखा जाता है, तो यल की जगह ए, तो डेल्टा ए बटे ए इंटू डेल्टा टी, और जो रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा लिखा जाता है, आयतन वाले को गामा लिखा जाता है, ठीक है ना। तो अब लिखिए दूसरा नंबर, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, हमने शब्द बदलने के लिए बोल दिया है, जहाँ एकांक लंबाई है वहाँ एकांक क्षेत्रफल बोल दीजिए, बस लिखो दूसरा नंबर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक पृष्ठि भी बोल सकते हो, किसी पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल के ताप को एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है उसे पृष्ठीय प्रसार गुणांक कहते हैं। पृष्ठीय प्रसार गुणांक या क्षेत्रीय प्रसार गुणांक एक है, ठीक, अर्थात क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे ताप में वृद्धि। इसका ही मात्रक वही, किसी पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल के ताप को एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है उसे पृष्ठीय प्रसार गुणांक कहते हैं, इसे बीटा से दर्शाते हैं, अर्थात बीटा बराबर क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे ताप में वृद्धि, यानी बीटा बराबर डेल्टा ए बटे ए इंटू डेल्टा टी। ठीक है ना, अब तीसरा नंबर है आयतन प्रसार गुणांक,
किसी पदार्थ के एकांक आयतन के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके आयतन में जो वृद्धि होती है उसे आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे गामा से अर्थात गामा बराबर वही डेल्टा भी बटे भी इंटू डेल्टा टी और इसका ही मात्रक वही आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन या आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणे ताप में वृद्धि, ठीक है ना। ये हो गया तो रेखीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, ये तीनों हो गए, ठीक है ना। अब ये तो आपने हो गया, आपने कुल मिला के ये पढ़ा क्या अल्फा बराबर एल अप डेल एल अपान एल इंटू डेल टी है ना, बीटा बराबर क्या पढ़ा डेल ए अपान ए इंटू डेल टी और गामा इक्वल टू क्या पढ़ा डेल्टा भी अपान भी इंटू डेल्टा टी। इसी से यदि हम चाहें तो डेल एल इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी लिख सकते हैं कि नहीं, जरूरत पड़ जाए कहीं तो नहीं लिखा जा सकता है। डेल एल इक्वल टू अल्फा इंटू एल इंटू डेल टी, ठीक है ना। ये ऐसे इसको भी लिख सकते हैं, उसी तरीके से इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं। हमने ये बताया ही है कि इसको आप चाहो तो अल्फा और एल टी माइनस एल जीरो अपान एल जीरो इंटू टी लिख सकते हो, है ना। लंबाई में वृद्धि मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे प्रारंभिक गुणे ताप में परिवर्तन, ठीक है ना। तो ये ऐसा भी हो सकता है, फिलहाल हमने ये लिखा है, ठीक है ना। सॉरी तो रेखीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक हो गया, ठीक है। आगे परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मिलेगा जो है अल्फा बीटा और गामा में संबंध, अल्फा बीटा और गामा में संबंध, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका जब भी इसका वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है अल्फा बीटा गामा में संबंध। थैंक यू।